सीख रहे हैं, वो क्या कुछ रिकवरी की उम्मीद लगाएं या नहीं लगाएं, साथ ही उनसे अपडेट्स भी लेंगे और नए कॉल्स भी आज के लिए समझेंगे। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्केट्स के लिए तो इतनी गुड नहीं लग रही है मॉर्निंग, पर थोड़े से गिफ्ट निफ्टी जो है निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है। आज के लिए कैसे देख रहे हैं आप बाजार की चाल? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, डिम्पी को भी और अभिषेक को भी। तो देखिए, फियर अनाउंस करके आता नहीं है हमें। देख, हमने आपको लास्ट वीक ही कहा था कि थोड़ा सतर्क रहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटीज वापस आएंगी मार्केट में। मैंने उस समय बाय डिफॉल्ट कहा था कि 700 800 हजार पॉइंट तक की करेक्शन आ सकती है। अब मुझे नहीं पता था कि इतना ट्रू हो जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये शॉर्ट लिव्ड होगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन ओवर द वीकेंड रह सकती है, बट आई थिंक सूनर रादर देन लेटर बाय ट्यूजडे वी शुड बी आउट ऑफ द वुड्स होपफुली। और दूसरी बात, आई डोंट सी दिस एस्केलेटिंग, दिस इज मोर जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी है कि एक ने फायर किया और दूसरे ने, दिट इज जस्ट एक्सचेंज। होपफुली इट शुड नॉट डी इट शुड नॉट एस्केलेट। लेकिन सृष्टि देखिए, मार्केट्स हैड रन अप फार इन एक्सेस और उनको एक करेक्शन अनिवार्य था। अब चाहे वो हायर बॉन्ड यील्ड्स हो या रेट कट की पोस्टपोनमेंट, ये सब आ गया। आज आप देखिए, फियर है तो गोल्ड न्यू हाई पे है, लेकिन यील्ड्स आर डाउन शार्पली, और इसका मतलब जो रेट कट की बात है, अगर ये थोड़ा सा स्केल हुआ तो अनिवार्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल वी शुड बी मार्किंग द बॉटम इन द शॉर्ट रन बाय मैक्सिमम मंडे और ट्यूजडे, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में इनहेरेंटली एक कॉल थी करेक्शन की, क्योंकि ओवरबॉट था। रीजंस बाद में आते हैं, मैं उस पैराडाइम में नहीं हूं कि फियर आपको मौका नहीं देता। तो ये फियर है, ग्रीड था लास्ट वीक, 1000 पॉइंट के बाद ओनली फियर है। यहाँ लेने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं। और जिस तरह से इंडिया की आउट परफॉर्मेंस है, डेमोग्राफिक प्रीमियम है, यू विल सी अगेन गुड स्टॉक्स आउट परफॉर्म, एविडेंस है फ्रॉम द नंबर्स ऑफ बजाज। और तो मुझे HDFC लाइफ के भी नंबर्स बहुत अच्छे, तो मैं कुछ जैसे हमने आपको कहा था, हम दो बाय कॉल दो सेल कॉल दोनों करके एज अ ट्रेडर अपना टाइम बिता रहे थे। अब आपको होल हार्टेडली अच्छे शेयर स्पॉट करने चाहिए और बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है नजरिया बाजार पर, अच्छी बात ये है। और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स जो संजीव जी आपने बताए हैं, थोड़ा राहत तो मिलेगा बाजार को, आज डरने की बात नहीं है। और सोमवार या मंगलवार तक चीज़ें बॉटम आउट होते हुए भी नज़र आएंगी और चीज़ें सुधरते हुए नज़र आएंगी। चलिए, उस उम्मीद के साथ संजीव जी अपने पिक्स आज शेयर करिए, कहाँ पर नज़र रखें। हाँ, तो देखिए, मेरे पे दो सेल है और एक बाय कॉल है। सेल में मैं पहले बेचूंगा अपोलो टायर, टायर स्टॉक्स एक वीक विकेट पे है, नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग थे और इनपुट रबर कॉस्ट से बढ़ने से उनके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है। अपोलो टायर बेचिए 463.65 में, 478 का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट। दूसरा सेल है HPCL, एज अ डायरेक्ट प्रॉक्सी HPCL में वीकनेस आएगी, क्योंकि ऑयल प्राइस बड़ी है और रुपी भी वीक है, और मुझे लगता है इनमें 7-8% की करेक्शन आ सकती है। हाउएवर शॉर्ट टर्म 475-77 में बेचिए, 489 का स्टॉप लॉस है, 451 का टारगेट। और बाय में मेरे को बहुत पसंद है IDFC फर्स्ट। मेरे को लगता है IDFC फर्स्ट मिड कैप बैंक बैंक निफ्टी में लीड करेगा। इसके नंबर्स अगले हफ्ते 27 तारीख को है और मिड कैप बैंक्स में मुझे लगता है IDFC फर्स्ट के नंबर सबसे अच्छे आएंगे। दूसरा, IDFC फर्स्ट अगर आपको याद हो, एक लार्ज लेंडर था वोडाफोन के लिए, जिसमें उसने सारी प्रोविजनिंग कर दी थी। अगर वोडाफोन का कैश रिच होना है और सब्सक्राइब होना है तो IDFC फर्स्ट को राइट बैक अगर आया तो बहुत बढ़िया होगा। 3500 करोड़ का लेंडिंग थी और मुझे लगता है वो मार्केट ने प्राइसिंग नहीं किया। 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, मुझे 90 रुपए का पहला टारगेट और वापिस 100 रुपए दिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अभी मुझे 90 रुपए जब मार्केट घूमेगी ये सबसे पहले जाएगा। मैं अपडेट भी दे दूं, कल मैंने आपको बाटा और लीवर कहे थे, मैं अभी भी लीवर और बाटा में बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे रूरल इनकम में वापसी आएगी और 2200 रुपए पे लीवर का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। ये एक लार्ज कैप FMCG है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाटा मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि प्रॉक्सी है, अगेन रूरल इनकम, राइजिंग एस्पिरेशन टू ग्रो फ्रॉम द अनब्रांडेड टू द ब्रांडेड, और बाटा उसका बिग बेनिफिशियरी है।
तीसरा मेरा कॉल था आईसीआईसीआई बैंक जिसमें मैंने स्टॉप लॉस दिया था। मुझे अभी भी लगता है आईसीआईसीआई लार्ज कैप बैंक्स में आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ 1050 का स्टॉप लॉस है, अगर ट्रिगर हो जाए तो एक बारी के लिए आप निकल लीजिए, क्योंकि मार्केट आपको फियर और ग्रीड का साइकिल आज जरूर प्ले करेगा इन द मॉर्निंग आवर्स। ठीक है भसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए, नए कॉल्स देने के लिए, और साथ ही थोड़ा सा भरोसा वापस लाने के लिए कि अब जो गिरावट हम देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ी से नए मौके ढूंढें, अच्छे स्टॉक्स में जाएं और अपने एक्सपोजर्स बढ़ाएं पर सेलेक्टेड रहें, और आज के लिए भी क्या रणनीति है वो बताने के लिए। पर चलिए फिर से हमारे पकड़ पकड़ के पता करते हैं जरा उसमें क्या करना चाहिए। ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर PSA मैसा के साथ करार किया है कॉनकॉर ने, कंटेनर कॉरपोरेशन ने, क्या ये सिल्वर लाइनिंग हो सकती है? एक बार जरा चेक करवाते हैं। संतोष मीना, कंटेनर कॉरपोरेशन जरा चेक करना, खबर पॉजिटिव है, सिंस में है। संतोष से बात नहीं हो पाएगी। अक्षय भागवत, आप जरा चेक करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉर? जी थोड़ा इधर चौपीनेस है काफी, चार दिन का चार्ट देखे तो एक 925 का सपोर्ट है। एक प्री कंडीशन रखूंगा, आज अगर आप बाय करना चाहे तो कम से कम 940 का लेवल पार करने दे तो आप ट्रेडिंग का बाय बनाए, तो 940 के ऊपर सस्टेन होगा तो आप 980 तक टारगेट बना के चले, तो कंडीशनल बाय है। बाकी ओवरऑल चार्ट चौपी है, एक रेंज है 960 और 925 का। ठीक है, ITC ने एक एक्विजिशन की है 485 करोड़ रुपए के आसपास की, खबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वैशाली, एक बार जरा चेक करना, थोड़े डिफेंसिव प्ले चाहिए ITC, उसमें फिट बैठ रहा है क्या, स्ट्रेंथ है या फिर इसको छोड़ दें इसको भी? ITC एक्चुअली फिलहाल सपोर्ट पे रुका है, अगर ये सपोर्ट ही 415 का सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो बाउंस आ सकता है, अदरवाइज इसमें भी एक बिकवाली दिख सकती है। ये ICICI सिक्योरिटीज के भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स रिसर्च टीम बता रही है कि काफ़ी पॉजिटिव हैं, मार्जिन्स वगैरह भी इम्प्रूव हो गया है 1.5% का, और पैट में करीब 15% की, यानी कि मुनाफा करीब 15% बढ़कर आया। अभी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार जरा ICICI सिक्योरिटीज वैशाली चेक करना, 703 रुपये का ICICI सिक्योरिटीज। जी 703 रुपए का है, आई थिंक नहीं इसमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन भी ब्रेक हो रहा है, तो आई थिंक ये 680-690 तक जा सकता है। ठीक है, GMR, एक बार अविनाश सर आपका ट्रेड चाहिए। GMR का ना ट्रैफिक डाटा आया एक्चुअली में एयरपोर्ट का, GMR एयरपोर्ट का, वो कह रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। एक बार जरा GMR एयरपोर्ट पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर, ये फैंसी काउंटर है रिटेलर्स का GMR एयरपोर्ट? नहीं बिल्कुल, देखिए ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड है, और ये स्केलेबिलिटी और फ्यूचर का जो रनवे है ग्रोथ को लेके वो बहुत सिग्निफिकेंट है। हम देख रहे हैं कि एयर ट्रैवल अभी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं क्योंकि टाइम की बचत होती है, प्लस फेयर्स भी काफी कॉम्पिटेटिव हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नो एविएशन बिजनेस को अगर हम देखें तो उससे भी कहीं बेहतर ये कंपनी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल एविएशन में प्ले करता है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए ये खरीदना है, मेरे ख्याल से मार्केट अगर मान के चलिए कि अगर आज गैप डाउन खुलता है तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा ये करेक्ट होता है तो लंबे अवधि के लिए इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हालांकि देखिए अभी भी बैलेंस शीट को हम देखें तो कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है, बट ऑपरेटिंग लिवरेज इस धंधे में बहुत बड़ा है। जिस प्रकार के प्रेजेंस इनको इंडिया में मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगले 1.5-2 साल का अगर किसी के पास टाइम फ्रेम है तो ये शेयर डेफिनेटली एक अच्छा रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को दे सकता है।